तो स्वागत है जी आपको हमारे YouTube चैनल पे जैसे कंप्यूटर क्लासेस पे। आज के हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि हमारा जो माइक्रो कंप्यूटर था वो कितने प्रकार का होता है, ठीक है। अगर आप इसे पिछले वाला वीडियो नहीं देखे तो जाकर पहले वो वाला देख लीजिए। ये मेरा टेस्ट 6 होने वाला है, ठीक है। पिछले वाले वीडियो में बता दिए थे कि जो हाइब्रिड कंप्यूटर है उसके प्रकार बता दिए थे, तो उसी में से एक मेरा लास्ट प्रकार था माइक्रो कंप्यूटर, तो उसी के बारे में आज पढ़ने वाले कि माइक्रो कंप्यूटर है क्या। तो ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के पास शेयर जरूर करिएगा कि वो भी कंप्यूटर सीख सके, ठीक है। तो चलिए हम अब शुरू करते हैं। तो देखिए मेरा क्वेश्चन है, माइक्रो कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया, ठीक है। तो इसका आंसर होगा माइक्रो कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया। माइक्रो कंप्यूटर कितने भागों में बांटा गया, तो 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। तो वो कौन कौन सा है वो हम चलिए के करके जानते हैं। चलिए मेरा डेस्कटॉप, पहला डेस्कटॉप कंप्यूटर, पहला मेरा डेस्कटॉप कंप्यूटर, दूसरा लैपटॉप कंप्यूटर और तीसरा मेरा प्लान टॉप कंप्यूटर, ठीक है। तो चलिए अब तीनों को एक एक करके जानते हैं कि आखिरकार ये सब है क्या। तो चलिए मेरा पहला है डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या है, ठीक है। तो यह वैसा कंप्यूटर है जिसका हर एक भाग अलग अलग बिखरा हुआ रहता है। इसे चलाने के लिए एक खास स्थान की आवश्यकता होती है, एग्जाम्पल के मेरा कंप्यूटर। चलिए अगर आप कंप्यूटर जानते होंगे, ठीक है, अगर मेरा आप जीरो से हीरो बैच देखे होंगे मेरा, तो उसमें बता ही था कंप्यूटर होता है वो कई चीज़ें मिल करके बना होता है, यानी उसका पार्ट हर एक बिखरा हुआ रहता है। तो वहीं इसमें बोल रहा है डेस्कटॉप कंप्यूटर में कि डेस्कटॉप कंप्यूटर हम उसे कहेंगे जिसका हर एक पार्ट अलग अलग बिखरा हो और अगर उसे चलाइएगा तो एक खास स्थान की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि कंप्यूटर, कंप्यूटर देख रहे करते होंगे कि आपकी की मॉनिटर अलग रहता है, कीबोर्ड अलग रहता है, माउस मेरा अलग रहता है, सीपीयू उसका अलग रहता है, तो वही मेरा क्या हो गया डेस्कटॉप कंप्यूटर, ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए अब अगला मेरा लैपटॉप कंप्यूटर। तो आप बोल रहे हो कि भाई लैपटॉप कंप्यूटर क्या है, तो देखिए असल में लैपटॉप हम लोग बोलते हैं रियल यूज में, लेकिन इसका नाम होता है लैपटॉप कंप्यूटर क्योंकि कंप्यूटर के अंतर्गत ही आता है, ठीक है ना। तो चलिए लैपटॉप कंप्यूटर वैसा कंप्यूटर है जिसका हर एक भाग एक ही में मौजूद रहे, जिसका हर एक भाग एक ही में मौजूद रहे, इसे चलाने के लिए किसी खास स्थान की जरूरत नहीं होती है, जिसे हम लैपटॉप कहते हैं, ठीक है ना। देखिए लैपटॉप अगर वैसा कंप्यूटर जिसका हर एक भाग एक ही में रहता है, जैसे कि इसे चलाने के लिए कोई खास स्थान की आवश्यकता नहीं है। जैसे देखिए लैपटॉप को ना आप देखिए अपने जहाँ भी जहाँ जा सकते हैं, अगर कहीं घूमने जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप साथ लेके जा सकते हैं, अपना बैग में रख सकते हैं, जहाँ मन तहाँ भी लेके जा सकते हैं। लेकिन लैपटॉप को तो नहीं लेके जा सकते ना, लेकिन लैपटॉप को तो लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग ये भी समझ गए होंगे। चलिए अब अगला और मेरा लास्ट है प्लान टॉप कंप्यूटर क्या है। तो प्लान टॉप कंप्यूटर किसे कहेंगे, तो यह वैसा कंप्यूटर है जिसे हम अपनी हाथों में लेकर के आसानी से हम चला सकते हैं, जैसे कि मेरा है मोबाइल, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मोबाइल है, आईपैड है, वो टेलीकॉम होता है, वो होता है, ठीक है ना, ये सब का एग्जाम्पल है। आई होप आप लोग को यह समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अगर समझ आ गया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब तो करना मत भूलिएगा। तो ठीक है जी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।